इधर मैंने ड्रॉ किया था, ऊपर के साइड ही होगा। ये तो सही जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर सकते हैं। फिर ये रहा, ये अभी अपने जगह पे सही है। क्या हुआ शिवम, कुछ खास? थोड़ा सा ब्रश को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। अभी सोरील पे सदाब आप काम कर रहे हो, रिया आप काम कर रही हो ना, दो लोग। बाकी लोग का तो अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बचा है, आपका भी बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, और आप लोग का भी तो बचा ही है। आप सोरील पे काम कर रहे हो अभी क्या? नहीं कर रहे हो अभी? इसके बाद क्या सॉफ्टवेयर है आपका? फुडनी है। हाँ तो फ्यूम इफेक्ट्स तो उसमें मैक्स में होगा ना। मैक्स का पीएफ सोर्स देखा आपने? पीएफ सोर्स उसका वो भी अच्छा है, उसका भी पीएफ सोर्स अच्छा है। माया का जैसा है ना, थोड़ा सा उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, बट अच्छा है। प्लगइन्स वगैरह जो उसके हैं ना वो भी अच्छे हैं। थोड़ा सा मैंने लेंथ बढ़ाया, अभी यहाँ पे एक गाइड और चाहिए मेरे को जो ऑपरेट कर सके उस हेयर को। अब जंगल में तलाश में मैं घूम रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ है, किधर गया। ये रहा, इसका थोड़ा सा हेयर शायद अंदर की तरफ है, इसको बाहर कर लेते हैं। और एक ये रहा, ये मास्टर है जो बहुत अंदर चला गया है। और ये बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है, ये इसको हम अंदर कर देंगे। एक दो और हेयर हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनको एक एक वन बाय वन करके अंदर की तरफ सेट करते जाते हैं। फर जो जानवर लोग का होता ना, से माउस हो गया, काऊ हो गया, इस तरीके का जो टाइगर वाइगर हैं, इनके जो फर होते हैं, वो फर तो बहुत आसानी से बन जाता है यहाँ। ठीक, वो एक ही बार में आप मैस पकड़ो, जैसे ग्रास बनाना है मैंने बताया था ना, आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। कुछ हमारे पास लाइब्रेरी है जिससे डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब आप उस सरफेस को पकड़ो, वो ग्रास अगर चाहिए तो ग्रास की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लो, वो डायरेक्ट आपके सरफेस पे ही वो अप्लाई हो जाएगा, आपको कुछ क्रिएट नहीं करने की ज़रूरत है। सरफेस बनाओ और यहाँ पे एक एग्जाम्पल जब स्टार्ट करते हो ना, तो वो एग्जाम्पल कंटेंट ब्राउजर से इम्पोर्ट करने को बोलता है, तो वहाँ से भी हमने ग्रास का शायद किया था ना, ग्रास का शायद मैंने किया था, तो उस तरीके से आप डायरेक्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो तलवार की धार जैसा है, ये ऐसा रहना चाहिए, सही है क्या? आगे का पतला होना चाहिए ना। तो अभी आओ इधर, थोड़ा सा वृत्त को और कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना मोटा मोटा हेयर तो नहीं रहेगा, गड़ जाएगा किसी को ना, ऐसे करके स्क्रेच मार सकते हैं हम भी। अब कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा रहता, तो झगड़ा जैसे हो जैसे स्क्रेच मारते हुए निकल जाओ, मगर लोकल में तो रोज खून की नदियाँ बह जाती हैं। कितने स्क्रेच, लोग हेलमेट वेलमेट लगा के फिर चलते। तो इसको ना देखते हैं, इतना वन लास्ट ही है क्या ये? ये वाला पेंट करने के लिए? हाँ तो ये नहीं, इसका तो यहीं पे सारा टेक्सचर है ना, आप यहाँ कर सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें। तो इसके ऊपर नहीं कर सकते हो आप, ये तो हेयर ही है ना, एक एक रेशा अलग है। बेस ले जा सकते हो कि बेस को आप, इस स्कल का जो बेस है उस पे थोड़ा कलर वलर आप, मैं जो सोच रहा हूँ कि आप वो बोल रहे हो कि इस हेयर को ले जाए वहाँ और पेंट कर ले अच्छे से, ऐसा क्या? ऐसा नहीं, ये खुद ही फ्रीडम फाइटर है, इसको कहाँ ले जा पाओगे?
आपको इंडिविजुअल किसी के साथ मजाक करना है ऐसा बोल सकते हो ना। तो इसके लिए ना इसमें एक मास्क भी होता है, जैसा मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया ना, तो मास्क करते हैं ना तो उस मास्क वाले एरिया पे ही जनरेट होता है वो हेयर, तो उसको आप अलग से क्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हो, दूसरा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। कलर में भी देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ स्क्रिप्ट का गया, हाँ वहाँ से वो राइट्स मिलेगा आपको अगर आप हाँ मास्किंग के थ्रू करेंगे तो प्रॉपर मिलेगा। फ्रीज करके अभी पेंट का मेरे को एक्चुअल में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि हम इंडिविजुअल। कौन सा बोला आपने? तो वो क्या होता है ना, उसमें एक मैप रहता है हमारा, जैसे ऐसा ब्लैक लाइन मार दिया, उस मैप को हम उसके कलर के डेंसिटी में जाके अप्लाई कर देते तो ब्लैक वाला उस पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, ब्लैक और वाइट जैसा भी कलर लोगे आप। वो हेयर में भी काम करता है, यहाँ एक्सजेन में भी काम करता है उसी तरीके से। तो अगर अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए और नहीं कस्टमाइज हो पा रहा, तो दूसरा तरीका ये है कि आप उसको अलग से भी निकाल सकते हो। पर अगर आपको यहाँ चाहिए, ये हम सब स्टेंस पेंटर में नहीं ले जा सकते ये हेयर को, क्योंकि ये इसका अलग सिस्टम है, इसका डायनेमिक अलग है, सब कुछ है, सिर्फ मैथ्स बस नहीं है ना ये। हाँ अगर एक चीज़ ठीक याद दिला, अभी देखते हैं मॉडिफाई में कन्वर्ट का है क्या कुछ ऑप्शन, एक्सजेन का कहीं दिख रहा है क्या, पेंट इफेक्ट दिख रहा, पेंट इफेक्ट अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, हालांकि ये पॉली जैसा ही है कुछ, पर जैसा भी आप बोल रहे हो मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, देखना एक बार ट्राई करके। अगर मारी में होता होगा तो इसमें भी होता ही होगा, क्योंकि मारी नीचे का सॉफ्टवेयर है तो उससे अपडेटेड जो है तो कॉपी ही करते हैं ना ये लोग। अब जो ब्लेंडर में अपडेट हो रहा है वो पता है किस चीज़ को लेके हो रहा, माया का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक है ना, यूज़र इंटरफेस से लेके ब्लेंडर का सबसे पहले वाला जो आप यूज़र इंटरफेस देखेंगे ना, देख के ही डर जाएंगे, इतना क्रिटिकल, जैसे स्पेसशिप का नहीं रहता है यूज़र इंटरफेस, ये बटन यहाँ है, यहाँ ऐसे ऐसा, मतलब देख के पल्ले ही नहीं पड़ता। अभी कितना कर दिया यूज़र फ्रेंडली, पूरा माया के आसपास ला के रख दिया उसका व्यूपोर्ट, एकदम सब कुछ टूल का अरेंजमेंट, सब कुछ डिवाइड कैटेगरीज वाइज ये सब कुछ बना दिया है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मारी आप बोल रहे, तो मारी में क्या है, मारी बहुत पहले जब मैं स्टूडियो में था उस समय मारी नया नया आया था, उस समय चल रहा था मारी, तो अब मारी से अपडेटेड वर्जन आया ये सबस्टेंस पेंटर, तो वो लोग पीछे वाले में देखते हैं कि हमारा जो आर्टिस्ट होगा क्यों हमको यूज़ करेगा, मारी को क्यों नहीं करेगा, तो वो पहले तो उस चीज़ वो कंटेंट उठा के पहले डालते हैं कि ये तो इसमें है तो इसको तो हमने डाल दिया, तो एक ये हो गया कि हमारा यूज़र रहेगा उसको वो चीज़ हम दे रहे हैं जो उसमें है, दूसरा हम प्लस क्या दे रहे हैं, ऑफर होता है ना कि 10 के साथ 20 फ्री, अब वो जैसे बोलते हैं 1 के साथ 1 फ्री, मगर एक ही का वैल्यू इतना होता है कि वो दोनों के बराबर हो जाता है, हमको लगता है मन में तसल्ली रहती है चलो 1 के साथ 1 फ्री मिला है, मगर फ्री व्री कुछ नहीं रहता है। ये सब जो प्लान बनाते हैं ना, बहुत मास्टर माइंड लोग रहते हैं, जहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते वहाँ से वो लोग स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये देंगे ये देंगे, इतना पैसा ये देगा, घुमा फिरा के आपसे पूरा पैसा ले लेंगे, उनका काम ही यही है। तो अगर उसमें मारी में होता है तो ये समझ लो कि सब स्टेंस में भी होता होगा। अभी आप एक बार ट्राई करना कि जाता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं R&D करके देख के बताता हूँ कि जाना, वैसे क्योंकि इसका जो डायनेमिक है ना, मेरे को लगता है अगर जाएगा तो, अगर एज ए टेक्सचर इसमें जो कलर है ना इसका किधर गया, वहाँ पे देख सकते हैं शायद, ग्रूमिंग क्या चीज क्या बोल रहा हूँ, हाँ इसमें कलर का है ना पूरा कलर का, वो तो कर सकते हैं उसका दिक्कत नहीं है, मैं अभी जो आप जो मेरे से पूछ रहे हो ना उसकी बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कलर में कुछ है क्या हमारे पास कलर, जहाँ पे हम हेयर का कलर करते हैं, किधर गया हेयर सिस्टम, ये रहा, तो ये भी रूट कलर है अपने पास, टिप कलर है, डिफ्यूज़ है। अब इसमें अपने को रेंडम जो आपको चाहिए ना, वो रेंडम कुछ सेटिंग चाहिए ना,
कलर मैप तो देगा ही, जहाँ पे ये चेकर है वहाँ पे। हाँ अब वो कैसा रिएक्ट करेगा पता नहीं, क्योंकि अगर मैप, हाँ आप जो बोल रहे हो ना, अगर ऐसा रहेगा कि कहीं बीच पे हम वाइट रख देते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, बाकी का ब्लैक या फिर मरून जो भी रखना है वैसा रखें, तो मे भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, कहीं मैं ऐसा कुछ करके कभी देखा नहीं, अभी देखता हूँ आज, मैं भी थोड़ा सा R&D करता। 24 हो जाने दो, फिर उसके बाद हम बदला लेंगे। वो मास्टर वही रहेगा रिफरेंस। अब रिफरेंस कॉपी नहीं करना, उसको लुक एंड फील लेना है। हाँ लुक एंड फील वैसा सेट करेंगे और फिर काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डेंस कम लग रहा है ना, जहाँ जहाँ पे मैं वहाँ पे फिर से रीजनरेट कर ले रहा हूँ कुछ। एक चीज़ अच्छी है इसकी कि एक ही बार मेहनत करवाता है, एक बार आप फ्लो सेट कर दोगे तो फ्लो के अकॉर्डिंग लेता रहेगा। अब ये जो अंदर अंदर की तरफ है, इनको हमको क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। इसको B प्रेस करो, बाहर की साइड है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा ना, कुछ गाइड मेरे को लगता है ना यहाँ सामने भी चाहिए, थोड़ा सा एक आध दो डाल देते हैं इधर, यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा, इसके बगल में सब उधरी की तरफ स्नैप हो जा रहा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब इन सबको पकड़ के थोड़ा थोड़ा बाहर कर दें। बी थोड़ा सा भी फोल्ड करना है तो ऐसा टेढ़ा करके रख लेते हैं ऐसे कुछ। एक ये जो है ना, ये अंदर की तरफ बहुत दबा हुआ है, कहाँ है वो, ये रहा। बी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं इसका एरिया, एक इस हेयर को भी बाहर की तरफ निकालना है। ये कहाँ है,
आप वन बाय वन भी ऐसा कर सकते हो, जैसे एक को लगा लो पहले, उसको प्रॉपर प्लेस कर लो, उसके बाद फिर दूसरा क्रिएट करो। तो इससे क्या रहेगा ना, इतना सारा पजल नहीं होगा, उसको आप नेमिंग भी आराम से कर पाओगे और उसको एडिट भी आराम से कर पाएंगे हम। यहाँ का ये जो इसको पकड़ना है मेरे को, ये जो जगह है ना ये फिल करना है हमको। ये वाला दे, ये दोनों पकड़ना, ये बहुत ज़्यादा अंदर हो गया ना। ये रहा, एक और उसी के पड़ोस में ही है। थोड़ा सा मशीन का एग्ज़ाम चालू है अभी भी, इसमें फाइव हंड्रेड है, मैं इसको 700 कर रहा हूँ। हालांकि बढ़ाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसको, तब जाके वो प्रॉपर दिखेगा। 1000, 3000 ऐसा ना अटक जाए, फिर उसके बाद आराम से हम बैठे रहे देखते हुए, अच्छा आ रहा आ रहा आ रहा। थोड़ा सा भी डेंसिटी वगैरह कम करते हैं और इसको थोड़ा रेंडम भी करते हैं यहाँ पे इसका कॉम के लिए ना। जैसे यहाँ से ये अलग एक टैब है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। जनरेट के अंदर से यहाँ से आप इंटरेक्टिव ग्रूमिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, फिर उसको कंघी कर सकते हैं। इधर कॉम रूम है, इसके लिए हमको ना यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर ऐड करना पड़ता है कि आपको कर्ली चाहिए तो यहाँ से ऐड करो, लेटाइस चाहिए तो यहाँ पे लेटाइस वगैरह सब है, आप उस पूरे को मॉडिफाई कर सकते हो। किसकी हेयर? हाँ उधर ही चल रहा है, थोड़ा सेटिंग में ही अभी इधर आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लेंथ है, ब्रिथ है। अभी ये जो है ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। उल्टा है, रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। इसको इतना रखता हूँ मैं। अभी और भी है नीचे ऑप्शन, ये टेपर वगैरह का है, तो इसको इस तरीके से रख। तो पतला भी चाहिए ना, तो इतना मोटा क्या करेंगे हम। अभी डेंसिटी
अब इसको बढ़ा रहा हूँ मैं, 5 हेयर को थोड़ा सा और लगता है कि ना ये ज़्यादा निकल रहा ना, तो इसको थोड़ा सा और कम करेंगे तो वो जो एज जैसा जो आ रहा ना, या तो फिर आप इसके फेस को पकड़ पकड़ के प्रॉपर अरेंज कर दो। सही ये क्या हुआ, ये वाला, हाँ इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि वो इतना यहाँ से आए, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सप्रेशन कुछ तो यहाँ पे है, से इधर सेट कर सकते हो आप, कलर का रहेगा। अब बाकी आपको अगर कुछ बनाना रहे तो आप बना सकते हो, पर उसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। जैसे देखो इसमें डिफ़ॉल्ट एक डला हुआ है कलर का, ठीक, ये एक्सप्रेशन है, जहाँ पे डॉलर वॉलर दिख जाए ना, समझ जाना ये महंगा चीज़ है। मतलब वो एक्सप्रेशन इसी तरीके से होता है ना, सिंबल पे ज़्यादा होता है। स्टार्ट लिमिट, एक और एट्रीब्यूट किधर गया, यहाँ पे देखो मॉडिफाई है। अब आपको जैसे नॉइस चाहिए तो आप यहाँ से नॉइस सेट कर सकते हो, तो जैसा यहाँ पे देख रहा हो ना, तो ये सब कुछ जैसे कट वगैरह जो हम भी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो उस तरीके से यहाँ पे भी आप यूज़ कर पाते हो। इसके अलावा एक यूटिलिटी है, आप यहाँ से भी उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो दो तरीके मैंने बताया ना, कि यहाँ से आप जैसे जनरेट करोगे तो डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा, फिर आप उसको कॉम कर करके प्रॉपर मैनेज कर लो, पर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। उसको ना आप अगर किसी मेल कैरेक्टर का हेयर बना रहे हो या फिर फर्वर बना रहे हो तो आसान है, वो बहुत इजी वे में आप उसको कर सकते हो। पर अगर फीमेल कैरेक्टर का बना रहे हैं तो यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे हम गाइड वाइड, हालांकि लेंथ वेंथ तो वहाँ पे बढ़ा सकते हैं हम, पर वो कंट्रोल नहीं होता जल्दी, उसमें डेंट आएगा उसका, या तो फिर डेंसिटी बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा। तो जैसे कहीं पे पिछले क्लास में हमने देखा था ना कि इतना एरिया में बढ़ा दिया था ऊपर की तरफ, तो ऐसा बढ़ाएंगे फिर उसको उस फ्लो में लाना थोड़ा टफ हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास गाइड है, गाइड क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है कि जिस तरफ आपका लेंथ चाहिए, जैसा चाहिए, उस तरीके से आप इसको मैनेज कर करके लगाते जाओ गाइड, और उसको इंक्रीज करते जाओ। अभी आते हैं थोड़ा सा इधर फिर से, अच्छा अलग अलग बंच जैसा बोल रहे हो क्या, पता नहीं, देखना पड़ेगा वो मेरे को भी। रेंज मास्क इधर गया, ये गाइड टूल है, इसमें रिवील्ड का है, तो ये डिवीजन्स उसमें ऐड करने के लिए कि उसको और स्मूथ आप कर सकते हो। इसमें मे भी हो सकता है, ट्यूब गाइड स्पेसिंग मास्क कट फ्रिक्वेंसी, इसमें भी वो स्क्रिप्ट का ही है, होना चाहिए जो आप बोल रहे हो ना, होना चाहिए, पर कहाँ है एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। इसको मैं भी टेपर स्टार्ट ना 0 रखता हूँ, -50। वन वन पॉइंट टू देखो, अब ये एक्सप्रेशन है, अगर आपको आता रहेगा ना तो आप हर एक जहाँ पे ये दिख रहा है ना, वहाँ पे आप एक्सप्रेशन, आपको अगर उसका आइडिया है कुछ तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। नेट पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको एक्सप्रेशन से, वो लोग डाल के रखते हैं,
और आपके यहाँ हेल्प फाइल में भी ना, हेल्प से जहाँ जाते हैं ना, तो जैसे यहाँ से हेल्प में जाओगे आप, तो जब एक्सचेंज वाले टैब में जाओगे तो जो कॉमन जो रेंडमनेस वगैरह का रहता है वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा एट्रीब्यूट के हिसाब से। अभी जो हमने किया ना, एक बार थोड़ा देखते हैं क्या है उसका हिसाब किताब। इसमें ना बनाना एक अलग चीज़ है, रेंडर निकालना दूसरी चीज़ है। मतलब आप बना तो लोगे अच्छा, पर वैसा आउटपुट कैसा सिल्की अपना है रहता है, जैसा वहाँ दिख रहा वहाँ आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि हम बना के सामने वाले को दे देंगे, सामने वाला फिर हमको वापस कर देगा, कैसा बनाया भाई, अपने लिए बनाया कि हमारे लिए बनाया अभी ना थोड़ा सा सैंपल बढ़ा रहा हूँ मैं। क्या हुआ, अब मशीन की परीक्षा होने जा रही है। लाइटिंग कौन कौन करने वाला है, कोई है लाइटर? हाँ लाइटर, जो डबल ए की बात कर रहे थे ना, ये है कैमरा एंटीलाइजिंग। तो ये क्या करता है, क्वालिटी इंक्रीज करता है आपकी इमेज की, मगर उसके साथ क्या करता है, आपका रेंडर टाइम भी बढ़ा देगा। तो अभी उसके ऊपर ले जाना भी नहीं चाहिए, कायदे से इसकी मर्यादा है ना 4 तक ही है, और वो डिफॉल्ट ही एकदम सही है, उसको ज़्यादा छेड़ना भी सही नहीं है। क्योंकि ये देखो अभी जैसे सैंपल में ये किया ना 25, तो ये 225 हो गया, मतलब ज्योमेट्री तरीके से बढ़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर जो बोलते हैं ना, हाँ, तो 2 का 2 के साथ 4 और 4 का फिर 4 के साथ 8, 8 का फिर 8 के साथ, मतलब हाँ इस तरीके से चलता है। तो ये इसका सैंपल मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ उस मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ओवरऑल जो मेरे पास सैंपल है अभी टोटल, सिर्फ मैंने यहाँ पे कितना किया, 2 बढ़ाया, 1 यहाँ बढ़ाया, 3 डिजिट बढ़ाया ना उसका, 625 के अराउंड ओवरऑल आ गया। अभी देखते हैं इसमें क्वालिटी, और क्वालिटी यहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा, किसका बढ़ाना ही पड़ेगा ना उसका जो मतलब तुम सोना चाहते हो क्या यहाँ नहीं ऐसा नहीं है, वो जो अपना फील आता है ना वो थोड़ा लाइट मैनेज करना पड़ेगा। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि एकदम लगाया और बस हो गया खत्म। तुमको क्या, तुम तो डाल के मुस्कुराते बैठे रहोगे, यहाँ सारे के ऊपर तांडव होने लगेगा, अरे रेंडर ना निकल रहा, क्या कर रहा हो, सबमिट करना है, ऐसा नहीं। इतना लाइट फ्लो बनाऊंगा ना मैं, मतलब एकदम स्मूथ फ्लो बनाऊंगा ना, कि देखना इतना ऑप्टिमाइज रहेगा कि बस उधर का टेंशन ही नहीं रहेगा, जो सबसे बड़ा टेंशन का काम है। तभी थोड़ा थोड़ा आया अभी, करने को कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर कितना हम, अभी मैं जो बोला वो लोगों को कि निकालने का कि कितना फ्रेम रेंडर करना है, आप भी जब कभी ऐसा बनाएं तो ये ध्यान रखें कि हमको कितना फ्रेम रेंडर करना है। अब एक फ्रेम का निकाल लो कि हमारे पास समय कितना है, मान लो आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में कितना टाइम हम उस पर एक्सपेंड करने वाले हैं, और रेंडरिंग के लिए हमारा कितना टाइम है, तो वो एक एक फ्रेम का जब कैलकुलेशन निकालेंगे तब प्रॉपर वो आप काउंट कर पाओगे कितने घंटे में ये रेंडर ख़त्म होगा, तो इतना फ्रेम हमारा मिल जाएगा। और ऐसे अगर हम अंदाजे ही कर दिए ना, तो अभी बीजी नहीं हुआ है, तो फिर करेक्टर नहीं हुआ है, वो सब फंसते रह जाता है। सॉरी, तो आते हैं इधर की तरफ थोड़ा सा, स्काई डोम। पांच से स्टार्ट करना चाहिए इसको, पर ये भी वैसा ही है, इसको भी आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा रेंडर टाइम। अब देखो, अब डेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और डेंसिटी बढ़ाएंगे ना तो प्रॉपर दिखेगा वो। मशीन का आवाज़ बदल गया है। हाँ
मगर वो इंटेंसिटी बढ़ाने से ग्रेन्स तो नहीं आते हैं, मगर डेडलाइन के हम पार चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्रेन, थोड़े ग्रेन चलेगा ना भाई, टाइम से काम हो जाए। ग्रेन्स तो अगर कोई ऐसा बोले ना आपको कि अर्नोल्ड में ग्रेन्स जीरो कर दो, तो वो जो बनाया है ना अर्नोल्ड, वो भी ना कर पाएगा, वो जीरो होता ही नहीं है। हाँ कितना वीरे में नहीं आता, वीरे में एकदम क्लीन रेंडर आता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे रेंडरर हैं। देखो उसका सेटिंग का थोड़ा सा वो है, वीरे में ना सेटिंग जो है अंदर अंदर है, अर्नोल्ड में क्या है ना सब ऊपर ही, बाहर ये सब रखा हुआ है। माया का पूरा यूजर इंटरफेस देखो, अभी थोड़ा सही लग रहा है ना, अभी अब डेंसिटी बढ़ाएंगे ना तब थोड़ा सा अपना काम आसपास आ जाएगा। देखो करने का तरीका वही है, आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब कुछ प्रोजेक्ट लेके बैठोगे कि नहीं अब उसमें आज बाल उगाना ही है, किसी भी टकले को लेकर बैठ जाओ, बस अब हो गया, फिर चालू करो कहानी। बोला मरा नहीं है वो, अटक गया उधर, अब उधर ही रहेगा वो। ये जो है ना इसमें देखो, वो ये लिक्विड वाला, ये एयर वाला, अगर कुछ आप एयर टाइप का स्मोक, बहुत वो देखा ना आप लोगों ने हैरी पॉटर, उस तरीके का स्मोक आप इसमें बहुत रियलिस्टिक बना सकते। यहाँ पे गेट एग्जांपल है, आप यहाँ से वो एग्जांपल देख सकते हैं क्या क्या है अपने पास। बायोफ्रस्ट का यहाँ पे है, ये वाटर का मैस का ये कुछ एग्जांपल है, जो मैंने मैस पिछला बताया ना, देखो इतना कुछ आप ऐसा बना सकते हो आप उससे, मैंने बहुत बेसिक बताया है, तो आप अगर R&D करोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत कुछ, तो खजाने में ही बहुत कुछ है। अगर आप उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हो, देखो इसका भी सिमुलेशन है ना, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, देखना ये एकदम, ये बीच का जो होता है ना गुराई बीच को गया है क्या, हाँ तो उस तरीके का पत्थर उत्थर नहीं रहता जैसे मरीन लाइन पे है, तो उस तरीके का एकदम प्रॉपर ये बना हुआ है, मगर अब लगता है ये भी अटक जाएगा। नहीं 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 बहुत दिलेरी है इसके अंदर सॉफ्टवेयर। देखो ये सिमुलेशन है वाटर का, ये जेली जैसा कुछ है, ये मिल्क का है, ये सब बना बनाया, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, स्प्लैश वगैरह देखो कितना प्रॉपर है, वाटर ड्रॉप, ये सब बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे अभी देख रहा हूँ ना ये इस तरीके का, आज ये बोलेगा ना कि बदला लेगा मेरे से। देखो ये सीन है इसका, मैं प्ले ब्लास्ट निकाल रहा हूँ शायद, क्योंकि वो रियल टाइम पे तो शायद प्ले नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी है ये, पर बहुत रियलिस्टिक है, हालांकि इसमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, एक ही फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो चलो इसको क्षमा कर देते हैं। एक फ्रेम हुआ होगा मेरे ख्याल से, वो भी नहीं हुआ लगता है, एक भी फ्रेम नहीं हुआ, हिल ही नहीं रहा वो, तो बहुत स्मूथ एकदम, मतलब जो वाटर का एकदम, पर इसमें और रियल फ्लो में फर्क यही है कि बहुत हैवी है ये। कुछ हुआ कि वो चला गया, चला गया वो अपने घर चला गया। सोलह जीबी ग्राफिक शायद 2 GB, पर ग्राफिक कार्ड जो प्रोफेशनल होता है ना वो 20-25 हज़ार से स्टार्ट होता है, और जो हम जैसे लोगों गरीबों के लिए होता है 2000 से GTS 610 है ना, जी फोर्स का ले लेते हैं ऐसे ही करके, वो 2000, 5000, 6000 से स्टार्ट होता है। जो प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड है, जो आप बड़े बड़े गेमिंग इंजन में जो यूज़ होता है, गेम खेलते हो तो उसमें मशीन्स में रहते हैं, वो 25000
30,000 से चालू होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल है उसका 60,000 70,000 का। वो ग्राफिक कार्ड वो चलाता है ऐसे एकदम मक्खन जैसे। हाँ नहीं, आज के डेट में अगर आपको मशीन अच्छा आप चाहते हो ना, आपकी इंडस्ट्री के लिए कि 5 साल हमको सोचना ना पड़े, तो वो कम से कम ग्राफिक कार्ड के 1 लाख का बजट रखो आप, तब आगे 4 साल 5 साल आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आराम से आप काम करते रहोगे या फिर गेम खेलना हो गेम खेलो। और हमारा क्या है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, सिर्फ क्या है मशीन में, हमको पूंजी नहीं लगाना, दुकान उकान तो लेना नहीं है। मतलब हम अगर मशीन अच्छा ले लिए तो हम कहीं से बैठ के काम कर सकते हैं, है ना। तो वो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा सा जब आप लो, जब प्रोफेशनली यूज़ के लिए, तो थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड अच्छा लो, ताकि आप उसको जल्दी जल्दी काम करो, और जल्दी से दो, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर जल्दी करोगे तब तो मिलेगा। नहीं पता चले एक काम लेके बैठे, दूसरा दरवाज़ा खटखटा रहा, हम बोल रहे नहीं अभी मत आओ। अब तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, 8 GB वहाँ है ना, जब मैं फर्स्ट माया में गया था ना, 6 GB रैम था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 6 GB रैम था। उस 6 GB रैम में हम लोग मोटू पतलू का फुरफुरी नगरिया है ना, जो इतना बड़ा, उसमें एक कैमरा आ रहा जा रहा, उसमें दौड़ धूप रहे हैं। मतलब बाउंडिंग बॉक्स से, जैसे यहाँ पे हम ऐसा नॉर्मल खोल लिए ना, उसको मैं यहाँ से ऐसा बाउंडिंग बॉक्स करके ना अंदाजे काम करते थे, अंदाज में, मतलब ये कैमरा ला इसमें डाल दिया, कैमरा सेटिंग में वो कर दिया, आउटलाइनर से पकड़ के लेयर में डाल दिया, उस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके दूसरे लेयर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे 4 भी प्रेस कर दिए ना, तो वो बंद होगा, फिर 15 मिनट आपका खाएगा, और 3-4 बार 15-15 खा लिया, मतलब 1-2 घंटा आप स्ट्रेच करेंगे।